सर टाइगर ने एकदम उस पर हमला कर दिया था, उसी समय उसके आते आते निकाल दी थी सारी आपके सामने। हाँ मेरे सामने, मतलब आपने सामने पिल का देखा होगा मुद के बगल पे जो बैंड पड़ता है, तो वहां पे इतना खतरनाक मंजर देखा कि अगर दूसरा देखता तो शायद नहीं बचता। दोस्तों वैसे तो आप देख के जगह को पहचान ही गए होंगे मैं कहाँ बैठा हूँ और किनके साथ बैठा हूँ, लेकिन जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं, ये शाहविला के ओनर हैं, यानी कि दीपक के पापा हैं ये। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात इनसे हुई थी और जो इन्होंने हमें बताया था उस टाइम वो ऐसे किस्से थे कि आज भी हम याद करते हैं। बगैर टाइम वेस्ट करें मैं इंद्रलाल शाह जी से पूछना चाहूंगा। इंद्रलाल शाह जी आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं तो जन्म ही यहाँ पे ही हुआ है, अभी कम से कम 70-80 साल की उम्र होगी, लेकिन आपके फादर 70-80 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो आप जंगल को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। ये मोहन गांव ऐसे जंगल के बीच में ही बना हुआ है, यहाँ पे पहले से जंगली है। तो आप गाय वाय चरने भी भेजते हो? हाँ गाय भी, जंगल गाँव में तो अक्सर हर जगह गाय रहते हैं, गाय भी अभी भी है, जानवर जंगल जाते रहते हैं, कई बार टाइगरों ने उन पे हमले भी कर दिए। यही बात मुझे आपसे पूछने थे, आपने हमें कई किस्से सुनाए थे शुरुआत में, तो मैं चाह रहा हूँ पब्लिक को भी हमारी वो किस्से सुनाए जब आप गाय लेके गए थे, टाइगर का सामना हुआ था आपसे। टाइगर के सामने तो कई बार हो गया है, टाइगर का सामने आप कितने बार उसमें हम इतने तो हम भूल ही गए हैं जितने बार टाइगर का सामना हुआ हो चुका है। तो कोई ऐसी बात जो आज भी आपको याद? हमें कई बार टाइगर से सामना हुआ है, एक बार तो हम ये मोहन से थोड़ी दूर ऊपर गए थे, हम हमारे अपने जानवर को लेने गए थे भैंसों को, तो एक लौंडा हमारे साथ और भी था, तो सर टाइगर ने एकदम उस पर हमला कर दिया था, उसी समय उसके आते आते निकाल दी थी सारी आपके सामने। हाँ मेरे सामने, फिर उसी को मैं अपने कंधे में उठा के कुछ किलोमीटर दूर तक उसको लेके आया था, उसके बाद मैं अभी भी वो धनगिड़ी गेट पे जिंदा है, जिंदा है, कम नौकरी कर रहा है धनगिड़ी गेट पे है। गहरी बात है दोस्तों कि ऐसा किसी के सामने हादसा हो जाए, उसको टाइगर से बचा के लाना और उसकी जान को भी बचाना, ये बहुत बड़ी बात। आपने टाइगर को कैसे भगाया था उस टाइम जब उसने अटैक कर दिया था? हमने कुछ नहीं भागा था, खुद ही हम भाग के पेड़ के पीछे को घूम गए थे, वो टाइगर आगे को भाग गया था, उसी के बाद हम उसको उठा के ले आए थे, उसके बाद टाइगर फिर दोबारा पीछे आया कई बार गांव में। हां गांव में हमला करा उसने रात में। अच्छा जैसे कभी आप जैसे गाय आपके सामने चरने जाती है तो आप गाय लेने जाते हो, तो कैसे अगर टाइगर सामने आ जाए तो क्या करते हो आप? नहीं टाइगर देखो, आपके टाइगर में पहले के टाइगर में बहुत अंतर है, पहले के टाइगर तो छह छह टाइगर साथ देखे हैं, कई बार गायों पे हमले भी कर रखे हैं, ये जंगल की घास होती है, इससे भी हमने सिट्टे से कई बार टाइगरों को अपने भैंसों को छुड़ाया है, उसके जानवरों को। अच्छा। कई बार तो हमारे सामने सामने दो तीन जानवर मार दिए, एक आध दो जानवर छूट गए, एक बार तो चार जानवर इकट्ठे मार दिए आपके सामने, हमारे सामने ही चार जानवर, कई बार उसमें वन विभाग ने उसके पैसे अभी तक भी नहीं देखे खुद छूपे, अभी कम से कम अभी तक हमारे कम से कम 25 गाय भैंस दोनों चीजें जो टाइगर के द्वारा मारे गए हैं, जिसमें से कम अभी 10-12 गायों के या भैंसों के अभी तक हमें मुआवजा मिला है, बाकी अभी 10-12 गायों को अभी तक नहीं मिला है, ये सन 24 की बात हो गया, अभी तक नहीं मिला है। टाइगरों से उसमें कई बार क्योंकि गायों पे भैंसों के अक्सर सर उनपे हमले करने के लिए आते रहता है, ये तो है, लेकिन जैसे अभी पूरा एरिया आपके सामने जंगल का है, आप यहाँ बैठे भी रहते हो, आपको साइटिंग तो ऐसी होती रहती होगी नॉर्मली? साइटिंग तो यहाँ पर देखो जी, साइटिंग तो रोज ही होती रहती है, मगर यह है कि कब किसके किस्मत में दिख जाए वो अलग बात है, और जिसकी किस्मत तेज होगी तो रोज भी देख सकता है, जिसकी किस्मत तेज नहीं होगी तो मेहनत दिन तक भी नहीं देख पाएगी। अच्छा आपने गाय भेजी अपनी अकेली, जैसे उन्हें आदत है सीधी आप खोल देते हो सीधी चली जाती है वो? हाँ वो सीधे चले जाते हैं, उनको लेने के लिए जाना पड़ता है, कभी उनके साथ जाना पड़ता है, अब तो कम कर दिए जब से टाइगरों ने खत्म कर दिए हैं, फिर भी मगर अभी डर तो रहता ही है, बीच में लेपर्ड हमारे यहाँ से कुत्ते को भी ले गया था 4-5 महीने पहले, वो फुटेज देखी थी। हाँ एक को यहाँ मार दिया था, उसको हमने देखा नहीं। अच्छा हाँ दो अभी दो हमारे पास बड़े कुत्ते रहते जिसको हमने टाइगर का निशान भी बनाया था, उसको ही मार दिया, उसको भी मार दिया उसने। अच्छा जैसे आपने गाय को भेज दिया अपनी सारी, तो आप कुछ उनको इशारा करते हो कि आपको देखते ही वो आपकी तरफ आने लगते? नहीं 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 ऐसा इशारा इशारा कुछ नहीं करते हैं, वो तो सीधा सूखने में ध्यान रहता है उनका, टाइगर का तो एकदम आता है एकदम झपटता है, कई बार तो टाइगर ने गाय को झपड़ने के चक्कर में हमसे आगे निकल गया।
अच्छा ये है, टाइगर तो बहुत देखते रहते हैं, अभी ये जंगली टाइगरों का ये है। अच्छा नहीं, मैं ये पूछा जैसे आपकी गाय है ये ट्रेन रहती है आपकी आवाज पे, जैसे आपने ने भेज दिया है आपको शाम में उन्हें लेने जाना है, क्योंकि मैंने वहां से देखा था कि आपके यहाँ से गए लोग और उन्होंने इशारा करा आवाज मारी सारी गाय उनके पीछे, आवाज भी मारते हैं एकदम, आते भी नहीं है, उनको लेके आना पड़ता है, आवाज मार के क्या होता है चौकना हो जाते हैं। अच्छा फिर पास जाके उनको लेके आओ तो आपके पीछे पीछे आते रहते हैं वो, लेके आना पड़ता है उनको। अच्छा जैसे टाइगर आता है उनके सामने तो वो कुछ उनका बिहेव अलग होता है, चीखने लगती है, रुक जाती है, क्या करती नहीं, है? गाय तो सब खड़ी हो जाती हैं बिल्कुल, जब टाइगर का वो होता है तो सब अपने अपने लिए खड़ी हो जाती है, जैसे तुम्हारे हिरन वगैरह ये कॉलिंग अच्छा। करती हैं उसी प्रकार गाय भी अपने एक दूसरे को मुंह करके अपना वो रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती, आगे इकट्ठे हो जाते हैं बिल्कुल सब। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता है कि अलार्म कॉल हो रही है ना और आपकी गाय वहां पर है, तो आप क्या करते हो, अलार्म कॉल रुकने का वेट करते हो या फिर तब भी चले जाते हो आप? नहीं, जैसे गाय पे कॉलिंग हो रही है कुछ हो रही है तो हमें लगता है कि अब जानवर पे खतरा है तो एकदम हम जाते हैं जानवर को ले आते हैं, वापस ले आते हैं। नहीं जैसे आप सपोज करो आपके सामने ही कॉल हो रही हो, जानवर आपको दिख रहा हो यहाँ से, तो उस समय क्या करोगे आप, रुकोगे या फिर तब भी चले जाओगे जानवर? जाना तो पड़ेगा उनको लेके, हमारे तो रोजी रोटी भी है ना जानवर, तो ये है कि जैसे आप कहीं पे आपका बिजनेस है कोई चीज में तो वो आपके लिए रोजी रोटी वही है। सही है, तो आप रिस्क ले लेते हो। हाँ, लेकिन मैंने एक चीज देखी है दोस्तों, टाइगर ऐसे हमला नहीं करता खासकर इंसानों पे। नहीं, टाइगर हमला तब करता है जब आदमी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से टाइगर आ रहा है, सुनसानी में टाइगर पे हमला करेगा, यदि आमने सामने टाइगर नहीं करेगा, यदि टाइगर वही कर सकता है जो पहले से आदमखोर हो। टाइगर हमें बाय चांस हमें कहीं पे मिल जाता है सामने नजर पड़ जाए तो कभी हमला नहीं करेगा टाइगर, टाइगर को हमला ऐसे नहीं करता। टाइगर तो अचानक भाई कहीं पे आप किसी सुनसान जगह में वसे हुए हो, कहीं रुके हो या जंगल में रुके हो, आपको पता नहीं है वहाँ का नॉलेज के बारे में, जंगल में किस तरह का रहना है, वहाँ पर रुकना नहीं है आपको, आप इस प्रकार रुके तो उसमें टाइगर हमला कर सकता है, मगर ऐसे है कि आप वैसे टाइगर हमला नहीं करता है। आप आदमखोर की बात थी, एक दौर यहाँ आदमखोर का भी गुजरा है। हाँ, आदमखोर के तो हमारे यहाँ से यहाँ पे कई ने उस समय देखा यहाँ पे टाइगर, कई चीजें हुई यहाँ पे उसके, लेकिन एक की तो एक हाथ मेरे कैमरे में उस मोबाइल में बहुत दिन पहले थे, मोबाइल ही खो गया, तो यहाँ पर यहीं से बरामद यहीं से बरामद हुआ था। तो आप भी वहाँ मौजूद थे? हम भी गए थे। हाँ हम भी गए थे यहाँ से, क्योंकि हमें जाना पड़ता है क्योंकि लोकल आदमी है देखने। नहीं, आपको तो अनुमति रहती भी है ना 3 किलोमीटर तक जाने की? जाने की अनुमति तो जंगल के अंदर किसी को भी नहीं है, मगर फिर भी हम गाय भैंस के लिए अपने जा सकते दो तीन किलोमीटर तक अंदर जा सकते हैं, मगर आप बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, फोन हमारा गर्म हो गया था, धूप में रखा था, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही थी तो वो फोन भी गर्म हो गया था। तो मैं बैठा था इंद्रलाल शाह जी के साथ, तो ये अपने किस्से कहानी बता रहे थे पुराने। तो यहाँ का जो सीन रहता है ना दोस्तों जंगल का, हमसे बेहतर ये लोग जानते हैं, क्योंकि दिन रात इनका वास्ता, इनका सामना टाइगर से और जानवरों से होता रहता है। तो इंद्रलाल शाह जी, एक दौर ऐसा था जब हाथी आपके यहाँ आ गए थे, वो क्या हुआ था उस टाइम? जी उस समय हाथी आ गए थे, हमें तो उस समय तो पहले की बात बताऊँ, पहले तो कई क्या कहते हैं हमारे धान की खेती होती थी, खेती होने के बाद भी हमें घर छोड़ने पड़े थे, उस समय उतने खतरनाक हाथी आ गए थे, जो धान की जो फसल लग जाती तो औरतें नहीं, जहाँ पे आज ये साबिला बना है यहाँ पे आम का बगीचा था, दिन में ही आ जाते थे यहाँ पे हाथी आम खाने के लिए। अच्छा, दिन ही में पता नहीं चल पाता था कि चाहे शाम को किए दिन होगा, हम मेरे रात होता तो दिन ही में आ जाते थे यहाँ पे, मगर अभी जरा सा कुछ समय से हाथी आना, जब से ये घर बन गए ये बन गए तो हाथी आना बाहर बाहर ही आ रहे हैं, गांव अंदर नहीं आते, गांव के अंदर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि फिर अभी ये तार भी लगे थे फेंसिंग उस वजह से भी, और बाकी जंगल का तो यहाँ पर आपको पता ही है कि यहाँ पर कैसा माहौल है, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी भी ये गढ़ ही, मतलब ये टाइगर का ही गढ़ है, इसको टाइगर का ही गढ़ के मान के ही चलो आप, ये बात की। और ये जितने टाइम से रह रहे हैं, मैं जानता हूँ थोड़ा सा कैमरा देख के थोड़ी सी बोलने में परेशानी होती है, आदमी इतना खुल के नहीं बोल पाता, जब कैमरा नहीं होता तो अच्छे से बताते हैं। तो शाबिला से क्या आपको दिमाग में कि चीज बननी चाहिए, हमसे बनना चाहिए, क्या सोचा था आपने? नहीं, हमने तो ये सोचा, हमने कहा देखो हम लोकल के आदमी हैं यहाँ पे, हमने गाय भैंस भी देखे हैं, आदमी भी देखे हैं, हर चीज़ में देखे हैं, हमने कहा कि अपना काम, जब बाहर के आदमी इतना पैसा लगा के अपना कमा के जा रहे हैं, हम लोकल के आदमी भी अपना ये होम स्टे खोलें जिससे कि पर्यटक यहाँ पर आए, हम अपना दिखा पाए। तो आज पर्यटक भी आ रहे हैं, सब पहचान भी गए शाबिला में, और शाबिला की एक अलग पहचान बन गई है अपने, तो कैसा लगता है आपको?
नहीं, हमें तो यहाँ पे बढ़िया लगता है क्योंकि हमारा हर किसी आदमी, हर आदमी के साथ वो रहता है, बोला चाल परिचय रहता है, अपनी अपनी बातें हर किसी को पूछने बतानी पड़ती है, लोगों से भी बढ़िया रहता है, मतलब लोगों से मिलना जुलना रहता है, इंटरेक्शन रहता है, लोगों से अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और फिर हमारे यहाँ पे लोकेशन सबसे मेन चीज है, यहाँ पे लोकेशन। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जब मैं आया था ना, तो इंद्रलाल शाह जी से मेरी मुलाकात हुई थी और इन्होंने बताया था इस होमस्टे के बारे में। आपने धीरे 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 करके सब चीजें देखी और आज की डेट में जो शाविला आता है वो शाविला के अलावा कहीं नहीं जाना जाता है। ज्यादातर क्लाइंट वापस शाविला ना चाहते हैं इस माहौल की वजह से। अभी अभी कम से कम अभी इसको और सुधरने में कम से कम 2-3 साल इसको लगेंगे अच्छे होने में। फिर भी हम ये भी हमने कोशिश करी है कि होटलों से बेहतर सुविधा मिले यहाँ, तो मिलती भी है वो। और देखो आने वाले टाइम में कह रहे हैं कि इसमें और चीजें करेंगे और इजाफा होगा। तो दोस्तों मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ जो पॉइंट बिल्कुल टाइगर की टेरिटरी के जस्ट सामने, या कह लो टाइगर की टेरिटरी में ही है। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई, आपका नाम? राशिद खान। बहुत खूबसूरत टपरी है जंगल में, बताओ। अपने पास तंदूरी चाय मिलेगा, मैगी मिलेगा, ऑमलेट मिलेगा, कॉफी मिलेगा और ये चिप्स वगैरह का, बाकी नॉर्मली नॉर्मल चिप्स वगैरह सिगरेट वगैरह का भी उनके लिए डूबते हुए तभी मैंने कहा था डूबते हुए का सारा। यहाँ इनके पास आने का मकसद ये था, दुकान में इनकी बाद में दिखाऊंगा एड्रेस, बाद में बताऊंगा इनकी दुकान का। तो इनके पास ना किस्से कहानियों का एक भंडार है। आप यहाँ सुबह ही सुबह आ जाते हो 3:30 बजे जी, तो आपके साथ बहुत किस्से हुए होंगे। बहुत ज्यादा। तो जरा जल्दी से हमारे व्यूअर्स को अपने किस्से कहानियां बता दो। देखिए अपना टाइगर का संग ऐसा आया कि जैसे एक बच्चे के माँ के संग बच्चे का वो होता है, और यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे टाइगर की सेटिंग पड्डे अगर होकर करके अगर देखा जाए, मतलब और जंगल में किया जाए तो पड्डे टाइगर की सेटिंग होती है। अभी यहाँ पे 4 दिन पहले 3:30 बजे के बगल में ही, अब बगल में 3 टाइगर आए थे, रोड पे निकल गए थे, मैंने तो देखे नहीं, बट गार्ड बता रहा था गार्ड उसके बाद मतलब मॉर्निंग चाय भी नहीं आया, तो वो बोल रहा था कि यार पहले 2 टाइगर आया फिर 3 टाइगर आया। तो मतलब ये मांगे चले कि गेस्ट लोग आते हैं वो बोलते हैं जंगल में कुछ नहीं दिखता। तो फिर भाई, तो फिर वो जब मॉर्निंग में आए तो उन्होंने बताया कि यार बाहर रात को हमने बहुत खतरनाक मेंटा देखा, हमने क्या तुमने टाइगर 3 टाइगर रोड पे निकल गए थे। तो हमने कहा ये तो देखिए ये तो कॉर्बेट है, कभी भी यहाँ पे ये नहीं कि रात में, दिन में भी टाइगर निकल सकता है। दिन में बस इसलिए निकलता कि ट्रैफिक ज्यादा होता है, रात में उनको थोड़ा सुनसान मिलता है, एनिमल रोड साइड आता है तो चांस ज्यादा रहता है। तो आप सुबह सुबह सबसे पहले इस मार्केट में सबसे पहले दुकान, सबसे पहले दुकान हमारा खुलता है। तो कभी ऐसा हुआ हमने सामना हुआ टाइगर से? मॉर्निंग में एक बार ऐसा हुआ कि आपने जब पीछे नाला देखा होगा, मैं मॉर्निंग में आया था आपका समथिंग 3:20-3:25 हो रहा होगा टाइमिंग। तो अपना तो क्या होता कि सुबह का मॉर्निंग में टॉर्च वाला हिसाब होता है, तो यहाँ पे करीब 1.5 या 2 साल कह लीजिए, तो एक टाइगर मतलब बच्चे हुए थे उसके, करीब 4 बच्चे थे। तो मैंने टॉर्च का फोकस मारा तो 4 बच्चे साथ दिखे। अच्छा। और शेर ने थोड़ा आगे खड़ी थी तो उल्टे पाँव वापस भाग। कितनी दूरी की बात होगी ये? समथिंग 20-25 मीटर की दूरी। 20-25 मीटर तो कुछ नहीं होता, यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है जस्ट जो बिरयानी की दुकान है बस, जस्ट उसके वहां पे थी, वो नाले के वहां पे था। पैदल ही थे आप? पैदल ही था। तो वो क्या रहा फिर उसके बाद? फिर क्या उल्टे पाँव घर, घर से अपना आधे घंटे के बाद अपने जो रास्ता था, पहली बार वहां रास्ता आया, बाकी अपना रास्ता मेन रोड ये रहता है सीधा सीधा, क्योंकि अपना रोज का आना जाना यही सही है। अच्छा। तो किस्सा था कि मतलब बहुत ज्यादा, मतलब देखो टाइगर ऐसा है कि मतलब समझ लो कि सामने यमराज हो रहा है। लोग बोलते हैं कि लोग तमन्ना करते हैं टाइगर की कि जी यार थापा में टाइगर दिख रहा है, अगर मुझे टाइगर दिख जाना वो दोबारा कभी आए ना। इतने करीब से दिख जाए तो, क्योंकि यहाँ पे टाइगर के जो देखे कहने के बाद टाइगर खाली नाम का टाइगर नहीं है, मतलब काफी हैवी टाइगर यहाँ पे, जो मतलब हमारे आंकलन से यहाँ पे जो कॉर्नर में टाइगर की हमने देखे हैं, मतलब मतलब ये है कि यहाँ के टाइगर काफी हैवी है और स्पेशली बफर जोन के टाइगर काफी हैवी है बहुत ज्यादा, क्योंकि मवेशी खाते रहते हैं। तो भाई ये थी टाइगर हाउस की बात जी। 3:30 बजे जी जी आप दुकान खोलते हो, रात में घर कितने बजे जाते हो? रात में वही अपना 9:30-10। 9:30-10 में पूरी मार्केट सब बंद हो जाता है। तो आपका 10:30 बजे आप इसे बढ़ा देते हो, अपने घर चले जाते हो। घर यहाँ से कितनी दूर है आपका? यहाँ से समथिंग 400 मीटर 400 मीटर। अच्छा खासा, मतलब पैदल के लिए जंगल में अंधेरे में दूर है। तो कभी कोई ऐसी चीज दिखी बहुत परे के? अगर मैं सब एक बार रंजाने की बात बताऊंगा, क्योंकि हमारा क्या सीन है कि मतलब लोग जवानों के संग बैठते हैं, मैं बड्डे लोगों के संग बैठता हूँ। अपना जो मतलब पहले से ही सीन रहा है उल्टा, अपन से ही मतलब लोंडो के संग रहना कभी अपने कभी नहीं सीखा। एक मैं ऐसा शख्स हूँ ढिकले इस गाँव के अंदर, एक मेरा दोस्त है, एक मैं हूँ, दोस्त सेम कॉपी है। 5 रुपए के मामले में हमने आता साइकिल नहीं चलाई, हमने आता मोटरसाइकिल नहीं चलाई, जो भी आता काम के पैरों अपना चल गया, अपना जितना मर्जी उतना घूम लो। तो
वो कहते ना मुकद्दर की जो लिखा होता है वो उसको बदल नहीं सकता, तो समथिंग उस दिन मतलब ऐसा हुआ कि फोन में मतलब फोन देख के अपना आदमी टाइम देख के अपना काम करता, उधर फोन की बैटरी बंद खत्म, अब घड़ी घड़ी भी बंद, घड़ी में समथिंग टाइम हुआ था उस टाइम पे, अब वो शाम के टाइम ध्यान दिया नहीं टाइम कितना हो रहा करके, तो वो 12:15 बंद हुई। बंद होने के बाद अब जब घर घर की घड़ी में देखा उसका टाइम देखा मैंने तो 4 बजे में देखा, मैंने कहा आज बहुत ज्यादा लेट हो गई, तो अपना थोड़ा बहुत खाया भी अपना मस्जिद को निकल गए, अपना अपने सामने पियल का देखा होगा मुद के बगल पे जो बैंड पड़ता है, तो वहां पे इतना खतरनाक मंजर देखा कि अगर दूसरा देखता तो शायद नहीं बचता। क्या था मतलब समथिंग कम से कम 8 से 9 फीट का आदमी, सफेद लिबास में, लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे बाल, और मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि किसी पे कोई पिक्चर बनाता है फोकस होता है लाइटिंग का, तो वही सेम मंजर था, और वो बंदा सिर्फ यूं और यूं करने के बाद जमीन खोद रहा था। अच्छा, खोदने के बाद अब मैं 10 मिनट खड़ा रहा, और बड़े बुजुर्गों और हाफिज जी लोगों का कहना है कि किसी चीज को देखो, दूसरे को देखो, सोचो कुछ मत, और देखने के बाद सीधा आगे निकल, पीछे मुड़ के देखो। तो अपने हिस्सा रहा और जब मैं मोहल्ले पहुंचा, अब मैंने मोहल्ले में देखा कि लाइट भी अंधेरा हुआ है, क्योंकि टाइमिंग वो तो वो 12:15 का टाइम हुआ था, मतलब 12:15 मतलब 12 वही बज गए थे, मेरा जो भी सीन था वो देखा मैंने। तब मैं मोहल्ले में गया तो देखा बिल्कुल अंधेरा, तो मेरे दोस्त का घर बना था, 2 मंजिला घर बना हुआ था, तो उनका सिर्फ प्लास्टर हो रहा था घर में। अब मैं वहां जाके पहुंचा, पहुंचने के बाद मैं वो भाई सोया हुआ था, अब मैं जाने का उसके संग बिस्तर में सो गया था। जब वो सोया अलार्म लगा मस्जिद का कि सब लोग उठ जाओ सहरी कर लो, तो ठीक है। अब वो बंदा उठा मेरा दोस्त, उसने मैं उसके बिस्तर में सोया था, सबत कुर्ता यहाँ पहना था, अब वो भी एकदम धोखे से उठा, उसने कहा मेरे संग बहन कौन सो रहा है, वो डर के मारे नीचे आया। आने के बाद उसने कहा मम्मी पता नहीं मेरे संग कौन है, तेरे मैं भी उतर के नीचे आया। तो मैंने बोला भाई यार, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, फिर मैंने अपने फजर की नमाज अदा करी, करने के बाद 10 से 20 मिनट हवी जी लोग बैठते थे, गुप्तगू करते थे थोड़ी बहुत, तो फिर मैंने उनसे थोड़ा मशवरा किया, मैंने कहा मौलाना मैंने ऐसी ऐसी बात हुई और डरा नहीं, बट मैंने ऐसा देखा आप लोग बोलते हैं कि रमजान के महीने में शैतान सब कब्जे कर ले आते हैं, बंदी बना ले आते हैं, तो ऐसा संभव है, मतलब कह रहे हैं वो जो बुरे हैं अच्छे वो होते हैं, बट जो चीज जो जहाँ पे है उसे कोई कब्जे या कोई मतलब उसे बंद नहीं किया। खड़ा हुआ भी था वो आदमी? खड़ा हुआ ही था, और मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी खोदा और मिट्टी का टीला था। तो उसके बाद जब मॉर्निंग उसके बाद आया नमाज पढ़ने का, उजाले में उसका उजाला जाता है, आधा घंटा बैठने का मुखालता हो गया था कि 4 बज गए, मुझे टाइम का कोई अंदाजा नहीं था, वो मुझे दिखना था, मुझे दिखना था मेरे संग होना था, वो मेरे संग हुआ, बट जब मैं उसके वहां पहुंचा तो समथिंग 12:15 वहां पहुंचा, वो मैंने 12 बजे का मंजर देखा। और अब उसके चेहरा कैसा था देख? चेहरा बहुत डरावना, वाइट लिबास जैसे मुर्दा का होता है, एक कफन लपेटा हुआ है, और आंखें और लंबे लंबे नाखून, और कितनी दूर से देखा ये मंदिर? ये मैंने समथिंग 5 मीटर, मतलब उसके मुंह पे खड़े होकर, मतलब ये मान के चलिए ये हो गया और बोर्ड हो गया, बस वही मुंह पे ही हो गया। वहां पे उसका लाइटिंग का पोल था, मैं वहां पे खड़ा हो गया, बट वो अपना काम कंटिन्यू कर रहा था, उसने देखा नहीं, तो कोई फोकस नहीं, क्योंकि उसके पूरा टोटल उजाला था। अच्छा, उसके ऊपर पेड़ के जस्ट नीचे उसका पूरा फोकस था, फोकस होने के बाद मैं वहां पे खड़ा रहा, मैंने देखा, क्योंकि वहां काफी बार देखा, बट वो समय वहां कोई नहीं था। तो उसके बाद जब मैं मॉर्निंग में सुबह आया वापिस, तो देखा वहां पे पूरा वैसे का वैसे था, सही कुछ नहीं, वहां पे कोई मट्टी खुदी भी नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने गहरे उनसे कोई मतलब कोई राय मशवरा कराई नहीं, मेरे पास हाफिज जी से किया, उन्होंने बताया ऐसा नहीं होता है, जो चीज जहाँ है वो वही रहती है, मतलब बाहरी चीजें नहीं आती। तो उसके बाद अल्लाह में तो हुआ, कभी इतना जल्दी गए नहीं, कभी गए तो साथ में। तुम्हारे यहाँ बताते हैं चुड़ैल की डांट, ये बहुत पुराना किस्सा है यहाँ पे, मतलब ये मान के चलिए पहले रोड नहीं हुआ करते थे, कच्चा वो था, लोग बैलगाड़ी से चला करते थे, तो अब मान के चलिए कि ये समथिंग 35-40 साल पुरानी बातें हैं। तो मतलब ये सारी बातें आप मानते थे, मतलब हमने भी देखा, हमने भी यहाँ पे भी देखा है, अपनी उम्र 34 साल हो गई है, ये हमने अपना आंखों नजर देखा भी है, तो 35 साल बनने वाले को बता रहा हूँ, 34 साल अपनी उम्र हो गई है। तो वो बताते थे कि जो शाम के वक्त यहाँ से गुजरा वो खाली गुजरता था, उसके संग क्या होता है कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। अभी तो फिर भी लाइट है, वाइट है, पूरा टोटली चेंज हो चुका है, ये मांगे था तो HD जमाना आ गया, हर चीज चेंज है, हर चीज चेंज है। तो तुमने कभी यहाँ देखा कुछ? एक वाला के साहब को बता रहा हूँ, चुड़ैल डांट की बात, उस टाइम पे मैं था आपका 13-14 साल का, तो मैं अकेला यहाँ से आ रहा था चुड़ैल डांट पे, मेरे पीछे एक बिल्ली पड़ी, बिल्ली पड़ी, और वो पता नहीं चुड़ैल डांट के ऊपर बैठी हुई थी, काली बिल्ली थी, इतनी काली बिल्ली मैंने आज तक लाइफ में देखी भी नहीं।
तो अब वो जब मेरे पीछे पड़ते गए तो ऑटोमेटिकली क्यों बड़ी होती गई। अच्छा, उसकी हाइट बढ़ती गई, आंखें भी लाल। तो उसने मेरा कम से कम अभी चोरी डांट से मान ले 400 मीटर मेरा कर रहा है, समथिंग 300 मीटर मेरे पीछे किया। तुम पीछे देख रहे हो, भागती आ रही है तुम्हारे पीछे। मैं पीछे मुड़ के देखता ही नहीं। अच्छा, चल ले आपको बता रहा हूँ, मैं जहाँ रुका यहाँ स्टॉप मारा वहां देखा, वहां तक मेरे पीछा कर रहा। उसके बाद पैसे पता चला बड़ी हो गई हो वो लाइटिंग परछाई में। देखो जब मैं यहाँ से भागा, भागने के बाद 100 मीटर तक तो थोड़ा बहुत आदमी देखता कि मेरे कितने क्लोज है, पर उसके बाद भागते गए जितना देख लिया बड़ी हो गई थी। उसके बाद तो आपने वो बिल्ली को बड़ा होते हुए देखा जब आप भाग रहे थे? जी जी जी। उसने कहीं पंजा या कुछ आपको? कुछ नहीं, मतलब डिस्टेंस था दौड़ने में। उसके बाद तो बिल्ली वाली बात तो ये थी इनकी, बहुत खतरनाक। अकेले थे या कोई साथ में भी था? अकेले, मेरे पास जब भी किस्से हुआ अकेले में किस्से हुए। तो इनके पास आने का मकसद तो देखो किस्से कहानियों का था, और वजह ये थी कि इनकी टपरी जो है बिल्कुल जंगल के मुंह पे है। मैंने टाइगर की टेरिटरी में इसलिए कहा क्योंकि खुद टाइगर की टेरिटरी है, टाइगर के मुंह पे ही बैठे हैं। बिल्कुल। तो भाई पीछे देख रहे हो भाई लोग आप, जंगल दिख रहा है? तो भाई यहाँ का क्या बता रहे थे आप बताओ, जंगल का? तो आप यकीन नहीं मानेंगे, दिन दहाड़े 4:45 गाय चल रही थी, तो टाइगर मूवमेंट मतलब चले 2-3 घंटे पहले से, मतलब टाइगर का मूवमेंट चल रहा था। क्योंकि जानवर जब यहाँ बैठते हैं तो कॉलिंग, आपको पता है हम लोग कभी भी टाइगर की स्मेल और आपका जंगल के जानवर जो कॉलिंग करते हैं हम उस पर डिपेंड रहते हैं। हम कभी भी अपने मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आ गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जंगल में आप कॉलिंग पे ही चलते हैं, क्योंकि जितनी भी सवारियां होती हैं सब एक कॉलिंग पे चलते हैं कि जहाँ पे कॉल टाइगर की वो है, जानवर की कॉल है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे गाइड लोग आपको वहीं लेके जाते हैं। सेम किस्सा वो यहाँ का है। तो आप मूवमेंट देख रहे थे? बिल्कुल। तो टाइगर एकदम से आया, गाय जब गाय का मुंह इधर को था तो आपको पता है टाइगर जब धाग लगा के बैठता था बहुत तगड़े तरीके से, उसका अटैक एक ही होता, एक ही में पकड़ा गया तो ठीक है, उसके बाद वो दोबारा अटैक नहीं करता क्योंकि टाइगर बहुत हैवी होता है तो उतने फोर्स वो नहीं लगा पाता। बिल्कुल। तो उसने एक बार में वो पकड़ी, पकड़ने के बाद ऐसे ले गया, हम दूध में मक्खी को फेंक देते हैं, ऐसे ले गया। सेम वही आंखों के सामने हो रहा था, ये आंखों के सामने। एक साल पुरानी बात, 3 साल की पुरानी बात। तो कब यहाँ माहौल बदल गया दोस्तों, कोई नहीं रहा, कोई पता नहीं। ये दिन रात इस चीज को देखते, कई बार तो देख चला भी जाता हूँ, पता भी नहीं चलता हुआ। वही चीज बोला, ये मेरा जो एरिया है सामने, मेरे आगे लोग बोलते हैं भगवड़ो नहीं, बाकी में मेरा कोर जोन। अगर यहाँ पे इंसान अगर ढंग से अगर बैठे फोकस करे तो पड्डे आपको एनिमल देखेगा, टाइगर लेपर्ड। तो ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग इनसे बात रही, और मैं आपको कैमरामैन कैमरा दिखाओ, मैं आपको इनकी दुकान दिखाता हूँ, आप लोग आना इनके पास बैठना। ये है इनका, इनकी टपरी, और ये राशिद भाई, और ये देख लो रूट। मनु महारानी से जब आगे चलोगे ना तो सीधे हाथ पे आपको इनकी टपरी दिख जाएगी। अगर मैं कहूँ कुछ निशानी के तौर पे, रतन होटल के जस्ट राइट साइड में जी आपको दिख जाएंगे, भाई भी बैठे हुए दिख जाएंगे, और इनके सामने जंगल है। देख लो, ये अभी अंधेरा हो रहा होगा आपको इतना नहीं दिखेगा, देखो अब लाइट पड़ी, जंगल दिखा। तो इन्होंने एक बात कह दी है, मेरा कोर जोन है जी, इनके लिए बफर जोन होगा, इनके लिए कोर जोन है। तो यहाँ से बैठे बैठे आपको सफारी का अनुभव हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा राशिद भाई तुमसे मिलके। लोग जो भी आए वीडियो देख के तो राशिद भाई के पास आना, बैठ के इनसे बातें करोगे, चाय पियोगे तो इंटरेस्टिंग किस्से भी सुनाएंगे ये ऐसे ही। अब बाकी अब सिंगिंग चलती है दुकान पे, सिंगिंग भी चलती है, अभी रमजान चल रहा है इसलिए शाम को रोज सिंगिंग। चलो मजे आएंगे आप लोगों इनके पास आना। थैंक यू।